हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जम्मू किचन में कुछ मीठा बनाने जा रही हूँ। दिवाली आने वाला है तो मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए, तो मीठा बनाना जा रही हूँ मैं बनाने। तो उसके लिए मुझे मैंने लिया है मैदा, 200 से 250 ग्राम है मैदा, दही है और नमक, चीनी, बटर और कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिसमें काजू, बादाम और अखरोट है, और खाने का सोडा है और बेकिंग पाउडर है। तो अब ये मिलाऊंगी मैं। आधी चमची लिए मैंने सोडा, मीठा सोडा, एक चम्मच लिया मैंने बेकिंग पाउडर, पीसी चीनी है वो मैंने 1.5 चम्मच ली है, नमक 1/4 चम्मच, टीस्पून समझिए, क्योंकि बटर इसमें अंदर बटर डालूंगी तो नमक होता है उसमें। सबको मिला लूंगी। पांच चम्मची दही है, ये खट्टी दही नहीं है, ये फ्रेश दही है। दो से तीन चम्मच बटर, मैं गूंदूंगी तो इसमें पिघल जाएगा ये। सबको मिला के एक सॉफ्ट डो तैयार कर लीजिए। इसको बनाने के लिए मुझे मावा चाहिए, तो मावा मैंने घर में तैयार कर रखा है, मावा बना रखा है। ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके मैं पीस लूंगी मिक्सी में। मैं करते करके दिखाती हूँ। मैं पहले आटा गूंद लूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदें। इसको गूंद के, मौसम चेंज है, थोड़ा ठंडक आ गई है, तो इसको 2.5 से 3 घंटे रखूंगी। हो सकता है ज़्यादा भी रखूँ तो बता दूंगी मैं कितने घंटे रखा है मैंने। यह हमारा सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसको मैंने एक जगह रख दिया। इस पर ऊपर से थोड़ा बटर या तेल जो भी लगाना लगा लीजिए आप, और छुपा के रख दीजिए। ये मावा मैंने घर में बना रखा है, इसमें अभी शुगर नहीं डाला है। ये जिस वक्त बनाऊंगी ना, उस वक्त इसको और थोड़ा सुखाना है हमें। वो ड्राई फ्रूट वगैरह पीस के डालूंगी, तो वो डाल के सुखाना है इसे, तो इसलिए पूरा रेडी करके नहीं रखा है, अभी ऐसे ही रखा है करके, तो बाद में करूंगी इसको। गैस पे पैन रख दिया था मैंने, और इसमें तेल डाल दिया है, तेल, मक्खन, घी जो डालना है। इसमें ये ड्राई फ्रूट में हल्का सा रोस्ट करूंगी। रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी में चला दूंगी मैं, बिल्कुल दरदरा बारीक सूजी जैसा करूंगी, और मावा में मिला दूंगी।
इसमें अखरोट भी डाल दीजिए। मावा मैंने पूरी तरह से तैयार नहीं किया था, शुगर नहीं डाला था, तो इसमें अब शुगर डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा रखना है रखें, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। पीसी हुई चीनी है ये। इसको पहले भूनूंगी, उसके बाद ड्राई फ्रूट जो मैंने मिक्सी में पीस के रखा है ना, सूजी की तरह बना दिया पीस करके, वो डालूंगी। पहले इसको ड्राई करूंगी। और मावा भून लिया है मैंने चीनी डाल के, अब मैं ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ जो पीस के रखा था मैंने। इसको मिक्स कर लीजिए इसमें। गैस बंद कर दीजिए और मिक्स कर लीजिए। ये हमारा मैदा हो गया है, 3-3.5 घंटे करीब रखे हुए। अब इसको मैं बनाने जा रही हूँ। मावा को भर दीजिए। ये जैसे हम लोग स्टफ कुलचा, आलू कुलचा और पनीर कुलचा बनाते हैं, तो ये भी मावा कुलचा है, ड्राई फ्रूट और मावास, तो ये शाही मावा कुलचा है, बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा। अब इसको पैन गरम करके डालूंगी मैं, हल्का सा ऊपर पानी, क्योंकि तिल लगाना है हमें, तो तिल ऐसे चिपकेगा नहीं। ये कच्चा तिल है, भुना नहीं है मैंने, क्योंकि इसको पकाना है तो भुन जाएगी अपने आप। जो पैन के साइड रहना है ना, उस साइड में पानी लगा दूंगी, ऐसे पानी लगा के फिर डाल दूंगी। तिल की साइड ऊपर रखना है, पानी की साइड नीचे रखना है। गैस कम कर दीजिए नॉर्मल, इसके भी किनारे किनारे मैं हाथ से ही डाल दूँ, किनारे किनारे से पानी डाल दीजिए। इसको लीड लगा दीजिए। इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूंगी। ये मिर्चा है, थोड़ा टाइम लेता है, मैदा है ना तो ये फैलता नहीं है।
हाथ से इसको पहले मैं थोड़ा बढ़ा दूंगी, फिर बेलन से करूंगी। हल्का छींटा मारिए, फिर तेल डाल दीजिए। बेलन चला दीजिए। ये हमारा एक साइड से हो गया है, मैं पलट दूंगी इसको, मैं हाथ से ही पलट रही हूँ बस। फिर इस पर लीड लगा दीजिए, गैस कम रखिएगा। ये हो गया हमारा, अब इसको मैं गैस पे सेकूंगी साइड किनारे किनारा। ये हो गया दोनों साइड से, अब इसको सेक लूंगी थोड़ा। ये फर्स्ट कुलचा हमारा रेडी है, इसमें मैं थोड़ा बटर लगा रही हूँ। इसी तरह मैं दूसरा कुलचा बेल रखा था, अब मैं पानी लगा के नीचे डाल दूंगी। इसी तरह इसमें भी पानी डाल दीजिए, मैं पानी डाल रही हूँ और लीड लगा दूंगी, गैस कम करते हैं। इसी तरह सारे बना लूंगी। तो अभी मैं रेडी है, बस सेक रही हूं मैं। ये हमारा आज का स्वीट डिश है, शाही मावा ड्राई फ्रूट स्टफ कुलचा। आप लोग बना के खाइए, बहुत टेस्टी होता है। और खा के टेस्ट अगर आपको लगता है वाकई में अच्छा है, तो आप लोग मुझे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैंने काट दिया, मैं हैंड से दिखा रही हूँ। देखिए पूरा इसमें मावा भरा हुआ है, मावा ड्राई फ्रूट भरा हुआ है, तो काफ़ी यम्मी लगता है। आप लोग बनाइए और खाइए।